प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ छेड़छाड़ की बढ़ रही घटनाओं को लेकर हरियाणा सरकार की तरफ से दुर्गा शक्ति ऐप को लॉन्च किया गया है। इस ऐप को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 15 जुलाई को लॉन्च किया था। ऐप के साथ ही एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इस ऐप के जरिए अब कोई भी महिला अपनी शिकायत को सीधा पुलिस को दर्ज करवा सकेगी। इस ऐप को GPS से जोड़ा गया है। जैसे ही इस ऐप के जरिए किसी जगह से शिकायत आएगी तो पुलिस को GPS से उसकी लोकेशन मिल जाएगी, जिस पर हरियाणा पुलिस की रैपिड एक्शन फोर्स टीम काम करेगी। हिसार में पत्रकारों से बातचीत करते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने कहा कि दुर्गा शक्ति रैपिड एक्शन फोर्स की एक टुकड़ी यहां पहुंच चुकी है। इसमें करीब 75 महिला जवान शामिल हैं। इसकी पैनी नज़र सीधे तौर पर सड़क छाप आशिकों पर रहेगी, जो आए दिन युवतियों पर फब्दिया कसते हैं या फिर छेड़छाड़ की घटनाओं को अंजाम देते हैं। उन पर शिकंजा कसा जाएगा। ये आज हम जो है यहाँ पर हिसार ज़िले के महिला थाने में दुर्गा शक्ति जो रैपिड एक्शन फोर्स बनाई गई है उसका शुरुआत करने के लिए यहाँ पर हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी हुई है लोगों को इसके बारे में बताने के लिए। मुख्यतः इसका जो कार्य होगा महिला विरुद्ध अपराधों को जो है रोकने के लिए, प्रिवेंटिव जो एक्शन लेने के लिए, उसके लिए इसका मेन पर्पज़ वही है कि जो भी इस तरह के स्थान है जहाँ पर महिलाओं का आवागमन ज़्यादा रहता है, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, मार्केट हो या और भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, बस स्टैंड है, तो वहाँ पर ये दुर्गा शक्ति जो रैपिड एक्शन फोर्स है इसकी आपने जैसे यूनिफॉर्म भी देखी है, ब्लू कलर की स्पेशल यूनिफॉर्म दी है, इनको डेडिकेटेड PCR गाड़ियाँ भी दी गई है, RTIGA गाड़ियाँ और स्कूटी भी दी जाएगी इनको, तो ये जो है वहाँ पर अवेलेबल रहेंगी, तो जिससे कि एक तो महिलाओं को जो है सुरक्षा का जो है महसूस होगा, एहसास होगा कि भाई हमारी सुरक्षा के लिए फोर्स वहाँ पर अवेलेबल है। बाकी जो आम पुलिस कर्मचारी हैं, जो पुलिस फोर्स है, वो तो अपनी ड्यूटी करेगी, ये उसके अलावा एक नई फोर्स बनाई गई है स्पेशली डेडिकेटेड इसी चीज़ के लिए कि जो क्राइम अगेंस्ट वीमेन का वो जो है रोकथाम करने के लिए, उसके एक कि क्राइम होने के बाद हम जो कर रहे हैं वो तो प्रोसेस हमारा जारी है, उसके लिए तो महिला थाने खुले हुए हैं, कंप्लेंट जो यहाँ पर आती हैं, इससे विजिबिलिटी बढ़ेगी और महिलाओं में जो है एक आत्मविश्वास की जो है वृद्धि होगी कि भाई हमारी सुरक्षा के लिए स्पेशली जो है एक अलग से फोर्स है। तो इसमें कुल हमारे यहाँ पर 70 से 75 मुलाजिम हैं इसमें फोर्स में, उसमें हम लोग डिसाइड किए हैं, हम लोगों ने जो सुरक्षा के लिहाज से, महिलाओं की सुरक्षा के लिहाज से स्थान चिन्हित किए गए हैं, वहाँ पर जो है कम से कम 8 से 10 की यूनिट्स में जो है ये लोग यहाँ पर रहेंगे और इमरजेंसी होने पर जहाँ भी कोई इमरजेंसी कॉल भी आती है अगर, तो वहाँ पर भी ये PCR कंपनी जो है जा सकती है।